मुनिया, मुनिया, अमनी, मुनी उठो बेटा, उठो बेटा। और ये देखिए हमारे यहाँ ठंडी लग रही है बहुत जोरों से, हल्की हल्की सुबह सुबह, तो हम लोग ब्लैंकेट निकाल लिए हैं ओढ़ने के लिए। तो मुन्नी उठ जा बेटा, बेटा 7 बज गया है, 7 बजने वाला है, उठो उठो। तो मुन्नी का भी लग रहा है नींद पूरा नहीं हुआ है ना मुन्नी, वो तुम्हारा नींद नहीं पूरा हुआ है, नींद नींद नींद, अब इसका नींद नहीं, थोड़ी देर में जगेगी अपने मन से। चलो तो चलिए, ये तो नहीं जगी और हम बनाते हैं अपनी चाय। चाय बनाते हैं और यहाँ पर रात में सब्जी आई थी तो वैसे मैंने छोड़ दी, उसको धोना है और चाय बनाते हैं। और बस यहाँ पर मैंने मिर्च काटनी है और यहाँ पर मुझे प्याज काटना है और चने बनाकर चाय बनाकर उसके बाद झट से मुझे मछली बनाना है। घर से बनाते हैं चाय और ये है टाटा टी प्रीमियम चाय पत्ती है ये। अरे तो खेलो तुम उधर जाओ खेलो। क्या हो गया, तेल है ना?
भी खेलो। आज का फूल सबसे प्यारा ये वाला है, सबसे प्यारा अभी खिलने वाला है, अभी खिला नहीं है। अस्सलामुअलैकुम हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? तो मेरी हमेशा यही दुआ रहती है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ से भी आपको देख रहे हैं खैर वाफियत के साथ रहें और अपनी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहें। तो अभी टाइम हो चुके हैं, सुबह के 9 बजने वाले हैं और बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। बच्चे लोग मैंने टिफिन तैयार किया है, नाश्ता बनाया है, तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड भी स्कूल जा चुके हैं। तो बस अभी 9 बजने वाला है और तो अभी मैं सोची हूँ कि चलो अपना जो ब्लॉग है स्टार्ट भी कर देती हूँ अपने ब्लॉग, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया है। और आप लोग के मैसेज भी आ रहे हैं ना कि आपके शादी के वीडियोज़ कब अपलोड करोगी, कब करेंगी, तो इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बातें करती हूँ, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और बहुत सारे काम है और मैं ज़्यादा बातें भी करूँगी ना तो लेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं अपना काम को फिनिश करती हूँ, कर लेती हूँ, तो उसके बाद मैं बताती हूँ ना कि मैंने वीडियो शादी की क्यों नहीं अपलोड की, क्यों नहीं बनाया। तो बस यहाँ पे देख सकते हो आप कि मेरे सारे काम पड़े हैं, सारे काम बिखरे हुए हैं। तो पहले मैं इनको समेट लेती हूँ, तो मिलती हूँ आप सभी से। और चैनल पे मेरे जो न्यू होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल पे क्लिक करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देंगे ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अभी हमारा किचन का सारा काम हो चुका है और बर्तन वगैरह किचन मैंने पोंछ दिया है, बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिया। अभी एक मुसीबत बाकी है। 11 बजने वाले हैं और हमारा जो बहुत सारे कपड़े हैं, वाइट ड्रेस है बच्चे लोग का, तो चल रही हूँ अब उसको मैं साफ़ करूँगी। और हफ्ते में मतलब 2-3 दिन ड्रेस साफ़ करने पड़ जाते हैं, क्योंकि वाइट ड्रेस रहते हैं, कलरफुल ड्रेस रहते हैं, तो वाइट ड्रेस तो बिल्कुल आज बच्चे पहनेंगे तो कल उसको धुलना ही पड़ेगा, क्योंकि वाइट है तो वाइट बहुत जल्दी बच्चे गंदा करते हैं। और जो मेरी मुन्नी है ना और ज़्यादा गंदा करती है ड्रेस, वाइट ड्रेस। चलिए पहले मैं कपड़े को साफ़ कर लेती हूँ, और क्योंकि मुझे हाथ से ही साफ़ करने हैं, मशीन वगैरह मेरी ख़राब हो चुकी है तो हाथ से साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको ब्रश मारना पड़ता है। और वाइट ड्रेस जो रहता है ना तो और दाग धब्बे लग जाते हैं ना, तो छुड़ाने में बहुत दिक्कत होता है। तो बस चले चलते हैं, साफ़ करते हैं। उसके बाद अभी मुझे फिश मछली बनाना है, क्योंकि मछली आ गए थे तो हम लोगों ने मछली ले लिया था, तो मैंने मछली को धो करके रख दिया है फ्रिज में। अब मैं कपड़े को मैं साफ़ कर लूँगी और मैं फैला लूँगी, तब तक मेरे कपड़े सूखते रहेंगे और उसके बाद मैं फिश बनाऊँगी। चलिए पहले कपड़े को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, तो उसके बाद मिलते हैं। मैं यहीं पर आंगन में ही मैं साफ़ करूँगी आज कपड़े।
फ्रेंड्स, अभी टाइम हो चुके हैं, दोपहर के 2 बजने वाले हैं और हमारा जो मछली है बन चुका है। तो और आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि आपका जो शादी आपने एंजॉय किया, तो शादी का वीडियो क्यों नहीं डाली है आप। तो मैं ये बता रही हूँ कि हम जहाँ पे हम रहते हैं ना, मैं रहती हूँ वो गांव है, मैं विलेज से बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पे ना किसी का वीडियो बनाना या किसी का वीडियो ऐसे अपलोड कर देना यूट्यूब पे, मतलब कि हमारे जो गांव में अलाउ नहीं है। गांव के लोग ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मैं किसी का वीडियो बनाऊं, तो बस इसके वजह से। और जिसके घर में शादी है था ना, वो जो मेरी जेठानी की बेटी का शादी था, तो मैं वीडियो तो मैंने बनाया है, छोटा छोटा सा मैंने क्लिप लिया है, मतलब टाइम भी नहीं मेरे पास थे। और वीडियो कुछ हल्दी पर का, कुछ मतलब फंक्शन का मैंने वीडियो बनाई हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन मैं वो मतलब अपने लिए देखने के लिए मैं बनाई हूँ, यूट्यूब पर डालने के लिए नहीं। क्योंकि किसी को यहाँ पे गांव में किसी को मतलब अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी का वीडियो बनाऊँ या अपलोड करूँ। वैसे तो आप लोग बिल्कुल समझदार हो, मेरे चैनल का सब्सक्राइबर बहुत समझदार है, आप लोग समझ सकते हो किसी का मतलब मर्जी के खिलाफ, और किसी के मतलब मर्जी के खिलाफ किसी का मैं वीडियो अपलोड कर दूँ यूट्यूब पर, तो ये गैर कानूनी, ये जुर्म है। तो इसके वजह से मैंने किसी का वीडियो ऐसे, मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ किसी का, तो मैं पूछ कर ही वीडियो बनाती हूँ, ऐसे मैं किसी का मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। और अगर पब्लिक बेस हो तो उसकी मैं कोई बात नहीं कर सकती, अगर पब्लिक बेस हो तो वहाँ पे तो कोई बात नहीं, ऐसे मार्केट वगैरह हो तो मैं वहाँ पर वीडियो बना लेती हूँ, इसका मैं कोई वो नहीं करती हूँ, बना लेती हूँ। लेकिन ये गांव है ना, तो गांव में लोग वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं समझते हैं, ये तो मेरे को भी नहीं अच्छी समझते हैं। तो फिर उन लोगों का मैं वीडियो डाल दूँ तो ये तो मुझे तो मार ही पड़ेगा ना। तो इसके वजह से मैंने किसी का मैंने वीडियो बनाई थी, मगर मैं अपलोड नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो, आप लोग तो बहुत समझदार हो ना, तो समझ सकते हो मैंने शादी बहुत इंजॉय किया और माशाल्लाह अच्छे से शादी बीत गया है, और बहुत अच्छा मतलब सब ठीक ठाक है। और अल्लाह ना जब मतलब बेटियां देना तो उन लोग का नसीब अच्छे करे, और बस मैं यही बोलूँगी कि हर बेटियों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, जहाँ भी जाए अपना अच्छे से रहें। तो बस मेरा जो कहने का मतलब यही है कि मैं किसी का वीडियो नहीं बना सकती, नहीं डाल सकती हूँ, ये मतलब किसी की मर्जी के खिलाफ ये तो बिल्कुल बेकार है ना, जुर्म है ना। तो बस इसीलिए मैंने किसी का वीडियो नहीं अपलोड किया है, ना शादी का, ना हल्दी का, ना बहुत सारे रस्म हुए थे, मैंने किसी का मतलब कोई मैंने वीडियो अपलोड नहीं की हूँ। तो बस ये मतलब आप तो समझ जाएंगे ना, आप तो समझदार हो तो समझ जाएंगे, तो बस इसलिए मैं बता दे रही हूँ आज। और आज से मेरा जो डेली ब्लॉग है, डेली रूटीन है, वो तो मैं शेयर करूँगी ही, तो आप लोग मेरे जो ब्लॉग है उसको एंजॉय करिएगा और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करिएगा। तो कोई भी मेरे चैनल पे आए ना, तो वीडियो कम से कम 3 मिनट देखने के बाद ही सब्सक्राइब करें या मतलब मैसेज करें, कमेंट करें, तो इस तरह से ना अच्छा भी रहता है। उस तरह से वीडियो पर जाओ क्या फ़ायदा होगा, जब मतलब कम से कम 3 मिनट वीडियो को वॉच नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ना हमें होगा ना फ़ायदा ना आपको होगा। तो इस तरह से किसी के वीडियो पे आप लोग जाओ ना, तो कम से कम 3 मिनट वीडियो को जरूर वॉच करो, नहीं तो जिसकी मैं वीडियो फुल वॉच करती हूँ तो वो भी मेरे वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में, एक अच्छे से रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।